वेलकम स्टूडेंट्स, चलिए अब आपको सबसे पहले बताते हैं, ये आपका फिजिकल का पोर्शन रिवाइज भी हो गया और कंप्लीट भी हो गया। ये जो अभी तक आपको पढ़ाई है आपकी क्या थी, फिजिकल केमिस्ट्री, यानी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ऑल दीज आर द फिजिकल केमिस्ट्री। ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट था आपका। अब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है बेटा। सबसे पहले इसमें हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन क्या होती है। देखो हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड बात एक ही है। जनरल फॉर्मूला इनका हम आरएक्स लिखते हैं, यानी ऐसे कंपाउंड जो हमारे ऑब्टेन होते हैं बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन बाय वन और मोर हेलोजन एटम, दैट इज नोन एज एल्काइल हैलाइड, या हम ये बोलते हैं हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ, यानी हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है उसको बोलते हैं हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड। जनरल फॉर्मूला था बेटा आर एक्स, जहां आर क्या हमारा एल्काइल ग्रुप एंड एक्स इज द, एक्स क्या होता है हेलोजन एटम, एक्स इज द हेलोजन एटम, या इसको दूसरे डेफिनेशन बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं दोज कंपाउंड्स, यानी ऐसे कंपाउंड्स, दोज कंपाउंड विच आर ऑब्टेन्ड, दोज कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय displacement of one or more hydrogen atom of alkane by one or more हेलोजन एटम इज कॉल्ड, क्या कहलाएंगे उनको बोलेंगे हेलो एल्केन। तो दोनों डेफिनेशन हमारी हम किसी को भी समझ सकते हैं, यानी शॉर्ट में अगर हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन इज कॉल्ड हेलो एल्केन, यानी वो कंपाउंड जो प्राप्त होते हैं बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ हेलोजन एटम फ्रॉम एल्केन, दैट इज नोन हेलो एल्केन, या those compound which are obtained by displacement of one or more hydrogen atom of alkane by one or more halogen atom is known as haloalkane or alkyl halide. दूसरे आते हैं haloarenes. haloarene क्या होते हैं जी, शॉर्ट में बोलेंगे halogen derivative of arene. arene का मतलब होता है benzene ring, इज कॉल्ड, क्या कहलाएंगे आपके उनको बोलेंगे हम हेलो एरीन, जनरल फॉर्मूला होता ए आर एक्स, जहां ए आर क्या है हमारा C6H5 फिनाइल ग्रुप होता है बेंजीन, एक डेफिनेशन तो ये हो गई। या हम बोलते हैं दोज कंपाउंड्स
विच आर ऑब्टेन, दोज कंपाउंड विच आर ऑब्टेन बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम, वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एरीन बाय वन और मोर हैलोजन एटम इज नोन एज, क्या कहलाएंगे वो हमारे, उसको बोलते हैं हेलो एरीन या एराइल हैलाइड। ठीक है, तो पहली बात तो मैं बताना चाहिए, हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन। तो आपको हेलो एल्केन के बारे में क्या पता चला, कि दोज कंपाउंड विच आर ऑब्टेन बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन बाय वन और मोर हाइड्रोजन एटम इज नोन एज हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड। देयर जनरल फॉर्मूला RX, या सिंपल हम बोलते हैं हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन इज नोन एज हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड। सिमिलरली इन केस ऑफ हेलोरीन, हेलोरीन्स क्या होते हैं, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरीन इज नोन एज हेलो एरीन्स। देयर जनरल फार्मूला ARX, उनका जनरल फार्मूला होता है ARX, हम उनको लिख सकते हैं AR इज इक्वल टू C6H5। ये माइनस नहीं है, ग्रुप जुड़ा हुआ आगे, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो AR का मतलब क्या होगा C6H5 ऐसे। या दोज कंपाउंड विच आर ऑब्टेन बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एरीन बाय वन और मोर हैलोजन एटम इज नोन एज हैलोएरीन्स और एराइल हैलाइड। तो ये तो हमारी इनके बारे में बात हो गई। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम। तो पहले क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे आप, देखो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम, जो हैलोजन एटम हमारे उसमें लगे होते हैं उनके अनुसार कैसे क्लासिफाइड करते हैं। पहले कहलाते हैं मोनो हैलोजन डेरिविटी, दूसरे कहलाते हैं डाई हैलोजन डेरिविटी, तीसरे कहलाते हैं ट्राई हैलोजन डेरिविटिव, और चौथे कहलाते हैं टेट्रा हैलोजन डेरिविटिव। आप कहेंगे मोनो डाई ट्राई का क्या मतलब होता है जी, देखो भाई अगर हम बात करते हैं CH3 CH2 Cl, इसको बोलते हैं मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, क्योंकि इसके अंदर एक ही हैलोजन एटम है, इसी इसको मोनो हैलोजन एटम बोलेंगे। दूसरी होती है, मान लीजिए आपने लिया CH2Br, सिंगल बॉन्ड CH2Br, इसको बोलते हैं डाई हैलोजन डेरिवेटिव, जिसका नाम आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं विक डाइहैलाइड। दूसरा होता है CH3CHBr2, इसको बोलते हैं आपका, ये भी डाइहैलाइड है, यानी डाई हैलोजन डेरिवेटिव है, और ये कैसा बेटा, इसको बोलते हैं जैम डाइहैलाइड, ये जैम डाइहैलाइड कहलाता है, एक विक डाइहैलाइड और दूसरा हमारा जैम डाइहैलाइड्स। ठीक है, तो दोनों ही हमारे क्या है, डाइहैलाइड डेरिवेटिव है। आपने सुना होगा इसी तरह से CHCl3 क्लोरोफॉर्म, इट मींस इट इज ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव, ये क्या हुआ हमारा ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव, ये ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव कहलाता है। अगर आपने क्या लिया CCl4 टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव, सुना होगा आपने क्लोरोफॉर्म के बारे में, या आपने सुना होगा टेट्रा डेरिवेटिव के बारे में, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में, तो जिसमें एक हैलोजन हो वो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, जिसमें दो हो डाई हैलोजन डेरिवेटिव, जिसमें तीन हो वो ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव, जिसमें चार हो टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव। ये तो हमारे क्या हुए, एलिफैटिक वाले हुए। इसी तरह हम क्या करते हैं, एरोमेटिक वाले लेते हैं। मान ली हमने ले लिया
ब्रोमोबेंजीन, तो क्या है ये मोनोहैलोजन, इसको मोनोहैलोजन डेरिवेटिव बोलते हैं। दूसरा होता हमारा या तो हम ऐसे लिखें, इसका नाम क्या है 1,2-dibromo बेंजीन, या दूसरा नाम क्या है ऑर्थो डाइब्रोमो। ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। नेक्स्ट क्या बात आती है जी, नेक्स्ट आती है हमारा, अगर हम बात करते हैं ये वाला, मान लिया हमने ये वाला प्रोडक्ट लिया, हालांकि ये डाई हेलो डायरेटिव चल रहे अभी तक, क्या है इसमें, इसका नाम होगा या तो बोलेंगे पैरा ब्रोम, पैरा डाई ब्रोमो, पैरा डाई ब्रोमो बेंजीन, या दूसरा नाम होता 1,4-dibromo बेंजीन। ठीक है जी, तो इस तरीके से इनका नाम हम रख देते हैं। तो ये भी ये मोनोहैलो डेरिवेटिव है, ये हमारे क्या है डाई हेलो डेरिवेटिव, चीज में दो हेलोजन है। अगर मैं बात करता हूं, मान लिया मैंने ले लिया 1,3,5, एक ब्रोमीन यहां लिया, एक ब्रोमीन यहां लिया और एक ब्रोमीन यहां ले लिया, इसका नाम क्या होगा 1,3,5-triBromo बेंजीन। तो ये क्या हमारे ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, ये ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव कहलाते हैं। तो इस तरीके से हम इनको क्लासिफाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू मोनोहैलोजन, डाइहैलोजन, ट्राइहैलोजन एंड टेट्राहैलोजन डेरिवेटिव। तो आप इनको क्लासिफाइड कर लेंगे, ठीक है, ये हमारा इसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट बात आती है, ये तो पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम, अब बात आता है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। देखो दूसरा क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी एल्काइललाइड, सेकेंडरी एल्काइललाइड, टर्शरी एल्काइललाइड। अब आप कहेंगे प्राइमरी क्या होता है, अगर कोई भी हैलोजन एटम प्राइमरी कार्बन पे जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी एल्काइललाइड। सपोज कीजिए आपने कंपाउंड लिया CH3CH2Br, तो क्या है प्राइमरी एल्काइल एलाइड, वैसे नाम क्या होगा ब्रोमोइथेन, इसका नाम हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, अगर मैंने ये ले लिया CH3CH3Br, तो इसमें ये क्या हुआ हमारा, ये कहलाएगा सेकेंडरी एल्काइल एलाइड, नाम क्या होगा 2-bromo-propane, ये सेकेंडरी हुआ। इस तरह से हम टर्शरी लेंगे, टर्शरी में क्या होगा CH3 CH3 and Br, इसको बोलते हैं सेकेंड डिग्री, इसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री, ये क्या कहलाता है थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड, एंड नाम क्या होगा इसका 2-bromo-2-methyl और आपका प्रोपेन। तो क्या होगा बेटा, ये आपका थर्ड डिग्री एल्काइलेट हो जाएगा। तो पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। ठीक है, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की बात आ गई। अब नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा क्लासिफिकेशन, अभी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हम, तीसरा क्लासिफिकेशन कौन सा है जी, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग, भी क्या करता हो कंटेनिंग
हाइब्रिडाइजेशन, कंटेनिंग हेलोजन सॉरी, इसे पहले कहलाते हैं sp3, यानी वो जिनके अंदर जो कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज है। तो sp3 में कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट पार्ट एल्काइल हैलाइड। देखिए अगर हम क्या करते हैं CH3, CH2 और Cl लेते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, sp3 हुआ, क्योंकि वो कार्बन जिस पे क्या जुड़ा हो, हैलोजन जुड़ा हो, अगर वो सिंगल बॉन्ड जुड़ा हो तो sp3 हाइब्रिडाइज होता। तो पहले एल्काइल हैलाइड्स, दूसरे होते हैं बेंजाइल हैलाइड, इसका नाम है बेंजाइल क्लोराइड, यहां भी कार्बन क्या सिंगल बॉन्ड जुड़ा तो ये भी sp3 है। तीसरे आते हैं आपके एलाइल हैलाइड, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, ये कार्बन क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइज, इसको बोलते हैं हम आपका एलाइल क्लोराइड। ठीक है, तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, ये कार्बन एटम के हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार इसका क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या होता है कि तो ये क्लासिफिकेशन किसके अनुसार हुआ, sp3 के। नेक्स्ट आता है sp2 के अनुसार, यानी जब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो, sp2 में दो आते हैं, एक तो आते हैं हेलोएरिन्स, आप देख रहे हैं यहां पर ये कार्बन क्या है हमारा sp2 हाइब्रिडाइज है, दे आर हेलोएरिन, हेलोएरिन हुए। एंड नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ, दूसरे होते हमारे विनाइल हैलाइड। विनाइल में क्या होते हैं, ये कार्बन आपको दिखाई दे रहा है क्या है sp2 हाइब्रिडाइज है, इसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। सो इट इज द हेलोरिन्स, दिस हैव sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम एंड विनाइल हैलाइड दिस हैव sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। तो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम जब भी जुड़ा होता है वो क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइज। तो ये हमें ध्यान रखना है कि sp2 है या sp3, तो इस तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं आपका ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। अब बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, तो पहले बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड क्या होता है जी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड के द्वारा, ए फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से कई सारे रिएक्शन आते हैं, क्या होगा एल्कोहल में जब आप रिएक्शन कराएंगे, देखिएगा आपने क्या किया, आपने एल्कोहल ले लिया, सपोज कीजिए CH3 CH2OH और इसमें आपने HBr मिला दिया कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, यहां से क्या होगा CH3 CH2 Br प्लस H2O। तो पहला मेथड है HBr कंसंट्रेटेड H2SO4 के द्वारा, दूसरा होता है जब आप CH3 CH2OH की रिएक्शन कराते हैं PCl5 के द्वारा, यहां से क्या होगा ये बनाएगा CH3 CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। तीसरा मेथड क्या होगा आपका, देखिएगा अगर हम तीसरे मेथड की बात करते हैं तो जब हम इथाइल एल्कोहल की एक्शन कराएंगे PCl3 के द्वारा, तीन मॉलिक्यूल ले लेंगे, ये बनाएगा 3CH3CH2Cl और प्लस H3PO3, कंपाउंड बन जाएगा। चौथा मेथड आता है
अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं, आपका HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2, यहाँ भी क्या बनेगा, CH3CH2 Cl+ H2O। नंबर 5, जब आप अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं, थायोनाइल क्लोराइड सबसे अच्छा मेथड होता है एल्काइल बनाने का अल्कोहल से। तो जब आप थायोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा जी, CH3CH2, उसके बाद Cl+ SO2, गैस बन के निकल जाएगी, प्लस HCl उड़ जाएगी गैस होने के कारण। क्या बनेगा हमारा यहाँ पर, ये हमारा CH3CH2Cl बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से मेथड हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो हम यहाँ इसमें देख लेंगे, तो ये सारे मेथड कौन से हमारे, इन सारे मेथड में सबसे बेस्ट मेथड है ये, बेस्ट मेथड। एक मेथड और बताएंगे, अब आप कहेंगे बेस्ट मेथड क्यों है। देखिए, बाकी में जो बनता है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सेपरेट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ जो बनेगा SO2 HCl, गैस होंगी उड़ जाएंगी, इसलिए यहाँ मैं इनको सेपरेट नहीं करना पड़ेगा। यही हमारा सबसे अच्छा मेथड होता है। अब इसका एक मेथड और भी है आपका, फिफ्थ के बाद सिक्स, सिक्स में क्या होगा देखो भाई, सिक्स मेथड में हम लेते हैं, सिक्स मेथड में हो जाएगा आपका, जब आप एल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे, रेड फास्फोरस ऑब्लिक I2 या रेड फास्फोरस ऑब्लिक Br2, चाहे तो आप रेड फास्फोरस आयोडीन से रिएक्शन कराएं, चाहे आप रेड फास्फोरस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएं, तो क्या होगा यहाँ पर, ये बनाएंगे CH3CH2I और ये बनाएगा CH3CH2Br। दिस रिएक्शन विल बी इन द सेम वे एज यू हैव टेकन द रिएक्शन इन PCl3 और PCl5। सो हम यहाँ क्या देखते हैं, हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जब हमारा रेड फास्फोरस यानी 2P+3Br2 रिएक्शन करता है, तो 2PBr3 बनते हैं। इसी तरह से जब 2P+3I2 रिएक्शन करता है, तो 2PI3 बनते हैं। तो एक Br3 और एक आपका PI3, इस तरीके से ये हमारे बन जाएंगे और रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो दीज आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल। तो एल्कोहल में सबसे ज्यादा मेथड होते हैं, फिर दोबारा समझिएगा, जब हम क्या करेंगे, एल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे HBr के साथ कंसंट्रेट H2O4 की प्रेजेंस में, तो CH3CH2Br+ H2 बनेगा। जब हम PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे तब भी हमारा एल्काइल बनेगा, PCl3 के साथ करेंगे तब भी एल्काइल आए, जब HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे ZnCl2 की प्रेजेंस में तब भी Cl यहाँ Cl जुड़ जाएगा, और CH3CH2 SO2Cl2 के साथ करेंगे तब भी हमारा एल्काइल बनेगा। अगर हम रेड फॉस्फोराइडिन या रेड फॉस्फोब्रोमीन लेंगे तो भी हमारे कंपाउंड बन जाते हैं। तो दिस वॉज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइलाइड फ्रॉम किससे, एल्कोहल से। तो ये आपका एल्कोहल से एल्काइलाइड बनाने का मेथड होता है बेटा। ठीक है, अब दूसरा मेथड आता है नंबर टू, फ्रॉम एक्सचेंज ऑफ हेलोजन एटम, एक्सचेंज ऑफ हेलोजन एटम के द्वारा। ये क्या है, इसमें पहला तो कहलाता है ए पार्ट, जिसको बोलते हैं फिंकल स्टीन रिएक्शन। फिंकल स्टीन रिएक्शन क्या होती है, व्हेन क्लोरो और ब्रोमो, व्हेन क्लोरो और ब्रोमो एल्केन रिएक्ट विद, रिएक्ट करते हैं किसके साथ, रिएक्ट विद NaI, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। देखो बेटा, जब आप सिंगल स्टीन रिएक्शन कहते हैं, जब क्लोरो या ब्रोमो
एल्केन रिएक्ट करेंगे एनआई के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एक्सचेंज ऑफ हेलोजन एटम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ हेलोजन एटम टेक प्लेस, एक्सचेंज ऑफ हेलोजन एटम टेक प्लेस, दिस इज कॉल्ड फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फिंकलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं, ये फिंकलस्टीन रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, देखो कैसे, सपोज कीजिए मैंने ब्रोमो इथेन लिया, ये हमारा ब्रोमो इथेन है, नेम रिएक्शन में आती है ये, ब्रोमो इथेन जब रिएक्शन करेगा एनएआई के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन तो क्या होगा भाई, यहां से ब्रोमीन यहां से आयोडीन एक्सचेंज हो जाएंगी, ये बनाएगा CH3CH2I और प्लस NaBr, दिस इज नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन, इसी को हम फिंकलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट बात आती है आपका, समझ आया, फिर समझिएगा, जब भी क्लोरो या ब्रोमो एल्केन रिएक्शन करेंगे सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन तो एक्सचेंज ऑफ हैलोजन एटम हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ हैलोजन एटम होने के कारण आपको आयडो एल्केन मिल जाते हैं, ये घटना क्या कहलाती है हमारी, इस रिएक्शन को बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन में आती है, तो ये एक्सचेंज ऑफ हैलोजन एटम के द्वारा हुआ। इसी का बी पार्ट आता है, बी पार्ट क्या कहता है, बी पार्ट बोलते हैं स्वार्ट्स, SWARTS, स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या है स्वार्ट रिएक्शन, देखो जी, व्हेन क्लोरो और ब्रोमो एल्केन रिएक्ट विद AgF और SbF3 देन एक्सचेंज ऑफ हेलोजन एटम टेक प्लेस, तब क्या होता है, हेलोजन एटम का एक्सचेंज हो जाता है, दिस इज कॉल्ड स्वार्ट्स रिएक्शन, इसको हम स्वार्ट रिएक्शन बोलते हैं। यानी अगर हम बात करते हैं, सपोज कीजिए CH3CH2Br की, और इसमें हमने AgF डाल दिया, यहां से क्या होगा, Br यहां से Ag यहां से बाहर निकल जाए, फ्लोरीन जुड़ जाएगी, तो ये क्या बनी हमारी बेटा, इस सेक्शन को बोलते हैं आपका, ये होगा फ्लोरो इथेन और रिएक्शन कहलाती है हमारी स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, तो स्वार्ट्स रिएक्शन है। तीसरा मेथड आता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से हम क्या करते हैं, देखिए हाइड्रोकार्बन से कई सारे मेथड है, ए पहले कहलाते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा क्या होगा, मान लीजिए आपने एक कंपाउंड लिया CH3CH2CH3 और इसकी क्लोरीन से रिएक्शन करा दी सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये दो प्रोडक्ट बनाएगी, एक होगा मेजर एक होगा माइनर, एक तो बनाएगी 2 क्लोरो और एक बनाएगी 1 क्लोरो, ये 80%, ये हमारा 20%। ये क्यों हुआ, क्योंकि जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स होते हैं दे आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड एज कंपेयर टू फर्स्ट फ्री रेडिकल, तो इसलिए जो फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है वही ज्यादा बनता है,
तो आप बताएंगे सिंस सेकेंड डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट डिग्री फ्री रेडिकल, इसलिए ये कंपाउंड हमारा बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, दूसरा माइनर। उसके बाद बात आती है बेटा बी, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन के द्वारा क्या करते हैं देखो भाई, अगर हम रिएक्शन कराते हैं सी एस टू डबल बॉन्ड सी एस टू बी आर टू की प्रेजेंस में, बी आर टू के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सी एल सी सी एल फोर, इसका अपना ब्राउन कलर होता है, जब इसमें डालते हैं तो बनाएंगे सी एस थ्री सॉरी सी एस टू सिंगल बॉन्ड सी एस टू, यहाँ बी आर और यहाँ पर भी बी आर, और ये कलरलेस बनता है, इसको बोलते हैं विक डाइलाइड, विक डायलाइट्स, ये विक डायलाइट बनता है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, अगर हमने सेकेंड पार्ट अगर हमने ले लिया सी एस थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एस टू इन प्रेजेंस ऑफ एच बी आर, आपने पढ़ा होगा मार्कोनिक ऑफ रूल, यहां पर प्लस या माइनस, ये मार्कोनिक रूल ये कहता है नेगेटिव पार्ट उस पर जाता है जहां कम हाइड्रोजन हो उस कार्बन पे, तो यहां पर क्या बनेगा टू ब्रोमो इट मीन्स टू ब्रोम प्रोपेन बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या हुआ, एक दूसरा मेथड आ गया, इससे हम बना सकते हैं। तो एल्कीन से इसमें थर्ड पार्ट भी आ सकता है, थर्ड क्या आ सकता है जी, जब आप एल्कीन को गर्म करते हैं क्लोरीन के साथ, ठीक है, यहां तो एल्कीन था वहां क्या एल्कीन है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा यहां बनता है आपका सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री सॉरी सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू सी एल, ठीक है। तो ये क्या हमारे ये तीन मेथड होते हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जिनके द्वारा हम एल्काइल हैलाइड्स को बना सकते हैं, किससे, एक बनाया आपको किसके द्वारा एक्शन ऑफ हैलोजन एटम के द्वारा, दूसरा बनाया मैंने एल्कोल से, और तीसरा बनाया हमने हाइड्रोकार्बन से, एक हाइड्रोकार्बन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा, दूसरा बनाया हमने किसके द्वारा एल्कीन के द्वारा, एल्कीन से जब हमने ब्रोमीन के साथ, एक ये टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन भी होता है, अगर कोई कंपाउंड अनसेचुरेटेड तो हमें कैसे पता चलेगा, इस रिएक्शन से पता चलता है। इसी तरीके से इस रिएक्शन के द्वारा ये मार्कोनिक ऑफ रूल आपने सुना होगा, ये आपका क्या होता है, इसको बोलते हैं विनाइल सॉरी एलाइल क्लोराइड, ये आपका एलाइल क्लोराइड कहलाता है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम इनको बना लेंगे, ये सब चीज़ हमारी बन जाती हैं, और यही मेथड होता है हमारा इनको बनाने का। सो दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है, थैंक यू।